हाय वेलकम टू मेट्रो MGF। टुडे वी आर विद उमर भाई और माशाल्लाह ये हमारे फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से जानते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम मुलाकात हो गई और पहली बार वीडियो शूट हो रहा है। उमर भाई हमारे व्यूवर्स के लिए आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। असलामुअलैकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उमर खान है जी। अपना लोकेशन जो है प्रॉपर धानोरी में मुंजावा बस्ती। ओके प्रॉपर। और अपना समझ अलग शो है, 3 साल से अपन शो कर रहे शफी भाई से, अपन 3 साल से जुड़े हुए लेकिन ये समझिए फर्स्ट ईयर ऐसा हो गया कि शूट के लिए बुलाया अपने। जी साथ में मुलाकात हुई है फर्स्ट ईयर में। और अभी अपने पास अपन मतलब शो कब से कर रहे हैं और कितने जानवर हैं? भाई शो तो अपना समझिए 3 साल के ऊपर हो गया अप्रोक्स, 3 साल भी पकड़ के चलिए। बाकी अपने पास अभी फिलहाल के टाइम में 13-14 जानवर है, जिसमें फीमेल्स भी है, कुछ मेल भी है, खस्सी भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है आपका, बकरे भी देखे हमने। आज के वीडियो में क्या दिखाने वाले हो आप? आज के वीडियो में इंशाल्लाह भाई अपन 3 बकरे कवर करेंगे, एक बैंटम, एक सानेन और एक एक्सट्रीम क्वालिटी बरबरा। ओके, ये फॉरसेल रहेंगे तीनों जानवर। फॉरसेल इंशाल्लाह तीनों फॉरसेल। वन बाय वन करके एक जानवर लाएंगे और डिटेल्स लेंगे। जी चलेगा इंशाल्लाह। शुरुआत ये बैंटम से करते हैं। जी भाई प्रॉपर बैंटम है? जी भाई एकदम प्रॉपर बैंटम है। अच्छा। प्योर क्वालिटी में लिलीपुट बैंटम जो छोटी साइज में आते हैं। आपके पास बॉर्न हुआ है या आपने बाहर से परचेज? नहीं भाई मैं इसे मंगाया था, अपने भाई है रत्नागिरी में जी, जी। उनके ब्रीडिंग सेटअप से लिया था ये। अच्छा, परचेज करा हुआ बच्चा है? जी परचेज किया हुआ बच्चा है आपके पास है? ये पकड़ के चलिए आप भाई से 1.5 साल के ऊपर हो चुका है अपने पास। ओके जी। मेल है ना, मतलब ये अंडू है? अंडू है जी भाई, अंडू है मेल में। दांत पर रहेगा अभी ये भाई? अभी 4 दांत पर है। दांत देख सकते हैं? जी भाई एकदम। क्वालिटी वाइज देखेंगे तो अच्छे क्वालिटी में तो गोल मटोल बच्चा है, फ्रंट बैक से पूरा तैयार है जी। कान वगैरह 11 नंबर कान, जो पेंसिल कान बोलते हैं आपका, पूरा प्रॉपर कान में है, मार्बल खोल, मार्बल सिंग में पूरा। इतने टाइम से इसको पाले हो तो बेच क्यों रहे हो आप? भाई इसका अपने को ब्रीडिंग लेना था, माशाल्लाह इसकी एक बच्ची है अपने पास और अभी से निकालना है क्योंकि अपने पास दूसरा क्वालिटी बैंटम मिल गया था अपने को, तो वो हिसाब से इसे निकालना है। जिससे ब्रीड लिया? जी ब्रीड ले लिया, इसकी एक फीमेल भी अपने पास माशाल्लाह। जी जी जी। तो अभी इसे सेल आउट करना है। जी भाई क्या प्राइस मांग रहे इसके आप? भाई इसका आस्किंग 25 रखे हुए, 25,000 आस्किंग है, बाकी आस्किंग प्राइस इंशाल्लाह नेगोशिएबल कर देंगे उसमें। कितना कम करोगे सर? सामने वाला आ जाए बात कर लेंगे, जो हिसाब से होवे। अच्छा खासा कम होगा? कम कर देंगे इंशाल्लाह। क्या ये अपना आस्किंग रेट है? अब सामने वाला पसंद आएगा बात करेंगे उसमें। जी इंशाल्लाह। और जो प्राइस बता रहे हैं 25,000, इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है? नहीं ट्रांसपोर्ट कर देंगे, बॉम्बे का होगा तो अपने तरफ से कर देंगे, जैसा भी बात होगा। बाकी आउट ऑफ हो जाएगा तो जैसा चार्जेस है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कोई कोई लोकेशन का 2,500-3,000 भी चार्जेस लगते हैं। जहाँ का लोकेशन रहेगा वो हिसाब से अपन कर देंगे। थोड़ा छोड़ दो, खेलेंगे उसके साथ। अच्छा बच्चा है भाई, खेल प्लेफुल बच्चा है ये, मस्ती करता है। ये देखिए इसको खाने में क्या रखे आपने? खाने के लिए भाई इसे अपना खल पेंट, कपास खल चुन्नी है, कपास खल के साथ में जी। बाकी हरी पत्ती, विलायती घास और आपका मक्का। ओके, दाना वगैरह मतलब सब कुछ खा लेता है? जी जी प्रॉपर एकदम, पूरा सेट, पूरा फिट एंड हेल्दी है, पूरा हेल्दी बच्चा है भाई। आगे पीछे से पूरा गोल मटोल तैयार हुआ बच्चा है, बीमार वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं पूरा ओके बच्चा है भाई। और वेट भी अगर देखेंगे तो अप्रोक्स उसका 26 किलो या 27 किलो अंदाजा एक वेट होगा, इंशाल्लाह आराम से आ जाएगा उतना। ठीक है, नेक्स्ट जानवर देख लेते हैं। जी भाई उमर भाई नेक्स्ट देख रहे हैं सानेन है। जी भाई सानेन बकरा है, थोड़ा सा डिटेल बताओ इसके बारे में। भाई ये सानेन ब्रीड में है जी,
और दांत वाइज देखेंगे तो 6 दांत की अवस्था 7वां फ्रेश अभी निकाल रहा है, 7वां तोड़ा है, लगाया हुआ नहीं है अभी, फ्रेश 7 दांत। बाकी क्वालिटी की वाइज देखेंगे तो सिक्के वगैरह, सिक्के हो गए, कान हो गए, एकदम खड़े कान में है। जी। क्या क्या चीजें देखी जाती है सानिन में? सानिन में भाई फर्स्ट तो कान, सेकेंड है आपका सिंग, ये दो चीज मोस्टली जो देखी जाती है। बाकी एक्सपर्ट होते जैसे हमारे नजर भाई है तो उन्हें अभी नवी चीज सिखाई कि बैक साइड का जो बोन है वो बेंड चाहिए, ये नजर भाई ने पहली अभी ये नवा चीज अपने को सिखाया। बाकी मोस्टली जो देखा जाता है कॉमनली वाइज वो आपका सिंग हो जाता है और कान हो जाता है, दो चीज। नजर भाई आपके हिसाब से क्या क्या देखा जाता है? वो तो ये तो फीचर्स तो ऐसे ही है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बकरा है, उसके सिक्के वगैरह देखना चाहिए, कान की क्वालिटी देखना चाहिए, लेंथ उसका, और ये जो ये भाई ने बोले ना पीछे जो बैकबोन रहता है ना उसका जी, वो वैसा चाहिए, थोड़ा बेंड चाहिए। मतलब ये ब्रीडर क्वालिटीज है या साइनन की प्योरिटी की क्वालिटी? प्योरिटी की क्वालिटी है, प्योरिटी की। और अगर किसी को ब्रीडर लेना हो तो? ब्रीडर लेना हो तो फिर वो कैसा है मालूम क्या, बचपन में समझ में नहीं आता क्वालिटी उसकी, जैसा मतलब वो ग्रोथ होगा ना, जैसे कि 2 दांत लगा दिया या कुछ 11 महीने का हो गया तब उसी क्वालिटी उभर नहीं आती, एज में ब्रीडर क्वालिटी समझ में आती है। जैसे अभी ये बकरा है तो वो ये एज में समझ में आएगा क्या है, बचपन में नहीं समझ में, बचपन में नहीं समझ में आया। उमर भाई आपने कब लिए थे बच्चा ये? भाई ये भी अप्रोक्स पकड़ के चलिए 1.5 साल के ऊपर ही हो गए, इसको भी लेके 1.5 साल मतलब के ऊपर। छोटा लिए थे आपने? छोटे वो 6 महीने के अप्रोक्स था लगभग। अच्छा अच्छा, अपने पुणे की परचेसिंग है ये। अच्छा, पुणे से ही लिए? जी भाई, यहाँ पर लोकल से ही लिए। आप मैंने देखा कि मोस्टली आप बर्बरे और बेंटम रखते हैं। जी भाई, सानिन कैसे क्या लिए थे आपने? ये समझिए भाई इत्तेफाक से आ गया था अपने पास, आप उन भाई के पास गए थे कुछ और सोच के, बोर पसंद आया था लेकिन वो काफी छोटे निकले तो सानिन ले लिया। जी भाई, वहाँ पर ये बच्चा खड़ा हुआ था तो ये पसंद आ गया था। इसके पहले कभी सानिन पाले अपने? इससे पहले भी लास्ट ईयर पाला हुआ था एक, तो वो बड़ा ही लिया था मैं, 2 महीने पाल के उसको सोल आउट किया था। नहीं भाई नॉर्मल आइस पे है। पक्का? मुझे ऐसा लगा कि वाइट है। नहीं वाइट आइस नहीं, नॉर्मल है भाई। बाकी सिंग वगैरह की क्वालिटी देखेंगे भाई, धारी दिखाना चाहूंगा ये बकरे की, बीच में उंगली डालेंगे ना भाई आप, मुश्किल से एक उंगली का गैप है। जी। बाकी कान की क्वालिटी क्योंकि क्या हो जाता है, जितना गैप कम उतना भारी सिंग, उतना भारी सिंग जितना कम गैप होता है। बाकी कान की क्वालिटी वाइज भी देखेंगे तो पत्ता कान आता है अक्सर सानिन में क्रॉस होने की वजह से, लेकिन ये क्वालिटी बोलूंगा अच्छी क्वालिटी है क्योंकि पिंसिल कान में है, कान खड़े हुए हैं। और क्या वेट पर रहेगा अभी ये भाई? अप्रोक्स प्रॉपर वेट तो नहीं बताऊंगा पर अप्रोक्स 65-66 केजी के अप्रोक्स होना चाहिए। जी भाई, फॉर सेल है ना? जी भाई, फॉर सेल अवेलेबल भाई। इसका आस्किंग अपन 45 कर रहे हैं, 45 के आस्किंग है। बाकी जो भी इंटरेस्टेड होगा इंशाल्लाह कॉल करेगा तो जो भी नेगोशिएट कर लेंगे प्राइस को इंशाल्लाह। सेम ट्रांसपोर्ट इसके लिए भी सर्विस? हाँ, बॉम्बे में होगा तो अपने तरफ से कर देंगे, बाकी बाहर साइड का जो भी होगा इंशाल्लाह। बाकी अपना कोई पुणे का होगा प्रॉपर तो आके देखे तो अच्छा है, लाइव आके देखे तो बहुत बेटर है, सामने सामने चीज समझ में देख सकता है, ट्रांसपोर्ट चाहे तो इंशाल्लाह वो अपने तरफ से करवा देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। उमर भाई ने एक एंटीक और अलग चीज़ निकाले हो, बरबरे मोस्टली देखे जाते हैं लेकिन ऐसा बरबरा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, शायद किसी ने देखा होगा। मुझे इसमें अलग ये लगा कि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। उमर भाई इसका रीज़न क्या है, इसकी साइज़ इतनी बड़ी रहने की? भाई रीज़न तो नहीं बदला सकता हूँ जी, अभी शायद लाइन जो है पुरानी ओल्ड लाइन में कुछ होगा तो वो हाइट में है। अच्छा, और हाइट अप्रोक्स इसका देखें तो भाई 34 की हाइट के अप्रोक्स है। जी जी जी, वो बहुत बड़ी हाइट का है। बरबरे मोस्टली जी उससे समझिए आधा इंच ऊपर ही है। अच्छा, सानिन से भी बड़ा है, ऊपर है। जी जी, और ऐसा नहीं कि भाई क्रॉस है, कान की लेंथ सिंग वगैरह जो भी देखेंगे प्रॉपर कलर भी देखेंगे, सिक्के चेहरा हर एक चीज बरबरे का है। तो पैर के नीचे आप खुर के पास देखेंगे ना ब्राउन, उसको जो आए हुए ये सारे बरबरे के फीचर्स है उसमें, लेकिन सिर्फ उसने साइज बड़ी किया है। आपने कहाँ से परचेस किए थे ये वाला? भाई ये प्रॉपर में मंगाया था हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से वहाँ से परचेस किया। तो क्या बच्चा लिए थे जब भी? नहीं, ये 2 दांत पे अपने पास आके जैसा मुझे 11-12 महीने का था। अच्छा, अपने पास आके तुरंत 2 दांत फ्रेश निकाला। अच्छा, तो ये कितने टाइम से है आपके पास? ये तो भाई 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से रखे हुए हो तो इसकी ब्रीड लिया आपने? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 2 साल बाद इसके अपने को बच्चे मिले हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह गरम अच्छा है। जी भाई, एग्रेसिव बच्चा। तो इतने टाइम बाद क्यों बच्चे मिले, मतलब उसके पहले फीमेल नहीं थी या कोई और रीजन? नहीं, फीमेल थी भाई जी, लेकिन अब अल्लाह की मसलियत थी उसमें, अपन 2-3 बार इसको क्रॉस किए पर दोनों तीनों बार अपने को रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, 2.5-3 महीने में बच्चे फेंक दे रही थी बकरी। सेम बकरी से बच्चे हुए अभी? जी सेम। क्या बकरी दूसरी लाए? बरबरी से नहीं, दूसरी बकरी लाए। अच्छा, अपना बॉम्बे से मंगाए थे। अच्छा, उससे बच्चे हुए फिर? तो बच्चे दिखाने वाले हम? बच्चे नहीं, बच्चे नहीं छोड़े क्योंकि अभी ये फॉर सेल निकाले हो बरबर।
इसके अगर कोई बच्चे देखेगा तो इंशाल्लाह इसको कोई छोड़ेगा नहीं। नहीं इंशाल्लाह जिस जो भाई को चीज पसंद आ रही है तो मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करे, मैं उसको वीडियो कॉल करके बच्चे दिखा। अच्छा पर्सनली उनको दिखा देना। और बच्चे भी इतने अच्छे हैं जी, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट दिखाएंगे तो लोगों को बगरा क्वालिटी समझ में आएगा इंशाल्लाह। फिर मैं उसे ऑनलाइन जो पर्सनल में आप दिखा देना। ओके तो ये दांत पूरे कर चुका रहेगा अभी, और क्या वेट पे रहेगा भाई? वेट इसका 72 से 72 के बीच में। माशाल्लाह बहुत अच्छा है भैया, तुलेगा ही तुलेगा, मुझे 60 के आसपास लग रहा है। नहीं प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठोस बच्चे प्लस आएगा इंशाल्लाह। ओके तो छोड़ दो, छोड़ दो, पकड़ के ही चलिए आप 70-71 के जी। एक्चुअली आप भी अंदाजा बता रहे हो ना कि वेट करे। नहीं इसका ये समझिए मैं प्रॉपर भी बोलेंगे, प्रॉपर पकड़ के चलिए। अच्छा ओके 70-71 के जी। इतने टाइम से जब रखे हो तो अभी क्यों बेच रहे हो आप इसको, जब बच्चे अच्छे दे रहा है और जैसे कि आप बताए कि आपके सेटअप की जान है वो, तो बेच क्यों रहे हो? अब निकालने का ये रीजन है कि अब ईद का भी सीजन है, कोई शौकीन का शौक भी पूरा हो जावे, और हम तो कुर्बानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने घर में खस्से चलता है, तो अल्लाह के राह में किसी और के नाम से कुर्बानी हो जाएगी, बस वही वो सब ठीक है, वो तो दूसरा भी जानवर लेके कुर्बानी करेगा। आप इसे क्यों बेच रहे हो ये बताओ मुझे। अब रीजन ये है कि भाई दो बच्चे मिल चुके हैं अपने को, और अपने को करना है खस्सी में ज्यादा काम, खस्सी और पी मेरी, क्योंकि एक ही सेटअप पे 3-4 अंडूर रखना तो वो मुश्किल हो जाता है बकरी के सेटअप। और कौन से अंडू है अपने पास? अब इसके दो बच्चे हैं, बाकी एक बैंटम भी खड़ा हुआ है। बैंटम तो देखे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो भी बैंटम भी, वो नहीं सेल कर रहे हो ना बैंटम? नहीं वो नहीं सेल कर रहे। इसका नाम क्या रखे आपने? इसका भाई नाम राणा रखा हुआ है। राणा इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो नाम चूज भी कर रहा है। ये रिएक्शन बहुत डेंजर था। बाकी झालर वगैरह देखिए, झालर सीना बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा खोला है। संभाला संभाल लें आप, अचानक में बहुत डेंजर मारेगा। इसके प्राइस क्या कोट कर रहे हो आप भाई? इसका इंशाल्लाह पर्सनल पे बताएंगे भाई, पर्सनल में बताएंगे। चलो ठीक है, दो बकरों के प्राइस बताए अपने, तो इसके लिए मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, और माशाल्लाह चीज भी अच्छी है। देखिए भाई ये बरबरा जो है गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन एक क्लेम कर सकता हूं मैं कि शायद ऐसा पुणे में किसी के पास ये शौक नहीं होगा। जी जी जी, इतना मैं क्लेम कर सकता। सही है सही, बहुत बोरा ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये साइज में ऐसा बरबरा। तो पुणे माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम से शूट कर रहे, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा बरबरा देखा हूँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छे क्वालिटी में है। क्वालिटी वाइज देखेंगे तो भाई एक्सक्लूसिव, स्टार्टिंग में बोला एक्सक्लूसिव क्वालिटी जो है वो दिखाऊंगा एक बार। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बाकी इसका प्राइस रेंज का एक अंदाजा दे देता हूँ कि लोगों को ऐसा ना लगे 30,000-35,000 रुपए क्या जाते लोग 30,000 में दे दो 32,000, तो उससे महंगा रेंज अप्रोक्स आएगा 65 से 75 के बीच में। अच्छा तो अच्छे रेंज का है, रेंज में अच्छा है, क्योंकि भाई बच्चा जिसको चीज समझ में आएंगे इंशाल्लाह पैसे लगाएगा भी, और उसके बच्चे देखे बात तो जरूर, नहीं वो तो जरूर लगाएगा। चलिए आपके फोर्स करने में चाहे तो बच्चे दिखा देता हूँ, लेके आए तो बहुत अच्छी बात है भाई। अंदर डाल दो, हाँ उसको डाल दो, अंदर डाल दो। माशाल्लाह ये राणा के बच्चे हैं जी भाई। उमर भाई क्या मंथ के रहेंगे भाई? ये 6 महीने हुए अभी। दोनों भी भाई भाई है जी भाई, दोनों सगे भाई, एक ही माँ के बच्चे हैं। दो बच्चे दिए जमीन और अच्छे क्वालिटी के दिए जी भाई। क्या नाम रखे इनका भाई? इसका नाम अस्करी, राइट वाले, राइट वाले का, और इसका नाम कल्बी जी। बच्चे की क्वालिटी तो बहुत लाजवाब है माशाल्लाह, जैसे 6 महीने के अंदर ये जो ग्रोथ दिया ना उन्होंने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अब जैसे आपने बोले कि कोई बच्चा देखेगा तो बाप समझ में आएगा, सही है सही है। बाप अपने जगह, बेटे भी अपने जगह है, सही है। उसी क्वालिटी में इनको बेचने वाले हो? नहीं भाई ये नॉट फॉर सेल है, अगर कोई अच्छे पैसे लगाया नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कितने भी अच्छे लगाओ वो कुछ भी अमाउंट बोलते हैं ना कि पेटी भी लगाए तो ना देवे, वो वाला हिसाब है, कुछ भी अमाउंट दे दे ये नहीं देना। बहुत अच्छे ये तो मेरा दिखाने का मूड ही नहीं था, आपने बोले कि दिखा दो, बस वो हिसाब से आपकी जबान पे दिखा। राणा समझ में आएगा क्या क्वालिटी का है जी भाई? राणा जब लाए थे जब ये इसका था, इससे छोटा था? नहीं इससे बड़ा था, इससे बड़ा था जी, 11-12 महीने के अप्रोक्स था वो आया अपने पास, और एक दो दिन में उसने दांत कर दिया था। जब ऐसे क्वालिटी में था वो, ये जो बच्चा है ना ये समझिए सिर्फ हाइट थोड़ी सी पकड़ के चले, सेम ही क्वालिटी था। अच्छा, राणा जब आया ये क्वालिटी में, सेम ही क्वालिटी में। अच्छा ये रेड वाला बच्चा लग रहा है, ये तो समझिए अभी जो राणा है ना वो क्वालिटी में ये बच्चा है, और जो पहले था राणा वो क्वालिटी में ये बच्चा है। इधर करो जी, इधर करो। और खासियत बताता हूँ बरबरे की भाई आपको, ये जो आँख होते है ना बटाटे के जैसे बाहर चाहिए। अच्छा मतलब बाहर निकले हुए चाहिए, निकले हुए चाहिए बरबरे की खासियत। बाकी मुंह की जो चौड़ाई रहती है चौड़ाई ज्यादा चाहिए। नहीं को अक्सर आप बरबरे देखोगे ना अभी भी कोई भी साइड के देखिए आप, बकरी के मुंह के बरबरे आते पतले मुंह। तो बात कर रहे थे हम दो बच्चों की, ये दोनों बच्चे नॉट फॉर सेल है जी भाई, सच्ची ना?
नॉट फॉर सेल, क्या किसी को पैसे ज्यादा लगाए तो दे? नहीं नहीं भाई, वो वाला काम नहीं है कि बोल दो नॉट फॉर सेल ऑफर आए तो दे दे, वो नहीं। माशाल्लाह वा राइट वाला बच्चा है ना, बहुत जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, सामने का पोर्शन देखे गेरा, सीना वगैरह, सीना गर्दन हर एक चीज, कान चेहरा हर एक चीज माशाल्लाह। ये बोल सकता हूँ कि पुणे में प्रॉपर बरबरा ये चीज। बोन साइज नहीं बताया अपने, अगर बोन साइज देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, 6 महीने का बच्चा ये क्वालिटी में बहुत कम देखने मिलेंगे। जी भाई, फ्रंट बैक दोनों बोन साइज सरी का है, हेवी बोन पे। क्या वेट पे रहेंगे बच्चे भी है? भाई इसका वेट किया हूँ वो 36 kg पे है और ये 35 kg पे है। अच्छा, 1 kg का फर्क है दोनों में। दिसंबर में पैदा हो गए ना? दिसंबर में पैदा हो गए भाई, 25 तारीख को वेट है। तो इनको ज्यादा फोकस नहीं करते हुए इनको अंदर छोड़ देते। जी भाई ठीक, और वीडियो ये एंड कर दे। एक बार वापस लोकेशन बताओ भाई। लोकेशन है विशांतवाड़ी धानोरी मुंजाब बस्ती। ओके, अपना पुणे भेज देंगे तो गूगल लिंक से आ जाता है। गूगल लिंक जिसे आना है वो तो लिंक डाल दूंगा मैं मैप पे। ओके, आपका कॉन्टेक्ट नंबर 8669043578। ओके, कोई अल्टर नंबर है साथ में? हाँ, वालिद का ले लीजिए 9423216780। तीन बकरे देखे माशाल्लाह ये वीडियो में। एक था सबसे पहले बेंटम देखे, जेरी नाम था, जेरी नाम का। उसके बाद में एक सानेन, सानेन जी। फिर और एक लास्ट में इनका फादर देखे, फादर देखे राना जी, वो था बरबरा जी। तीनों फोर सीरे, जो भी इंटरेस्टेड है उमर भाई से कॉन्टेक्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।